और ये भाई यहाँ पे लैपटॉप शेयर का स्टैंड है भाई, वीडियो बनाने का स्टैंड है, सोनी कंपनी की है ये LCD कैमरा है। कितने का है? चालू है। देखिए भाई पीछे से मोड़ के देखिए, ये भाई कैमरा है, देखिए चालू है। ये भाई वीडियो शूट करने का कैमरा, बता ना भाई सामान वामान चुरा लिए थे क्या? ले भैया अरे भैया वो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी भाई और सुबह सवेरा मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग आप सभी को। और भाई कैसे हो? और आज हम जाने वाले हैं, ठीक है, कहाँ जाने वाले हैं ये ब्लॉग में आप खुद देख लेना। तो सुबह का हो रहा है अब 5:40, तो भाई मिलते हैं वहाँ पे जाके, ठीक है। और अभी तुम देखते जाओ अगर अगर ब्लॉग में होता क्या है, ठीक है। और अभी देखो सुबह का टाइम बहुत ख़तरनाक हो रहा है, ठंड मच रही है, हाथों में चीज बहुत बुरी वाली। यह भाई सुबह का टाइम, बाज़ार में कोई नहीं है, बस ये कट्टा लेके जा रहे हैं भाई। और यहाँ पे कुत्ता उत्ता है, इनसे थोड़ा बच के रहना है, ठीक है। और भाई इसके ऊपर ये जो ऊपर वाली दिख रही है ये जिम थी, मैं यहाँ पे 4:30 बजे आ रहा था भाई ऊपर, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी जिम ही जिम बनी। और भाई अभी हम यहाँ पर बाईपास पर खड़े हैं, यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं बस पे, बस आएगी तो ठीक है। संडे है, मुझे मुश्किल लगती है लेकिन मैं डेली बस से जाता हूँ ऐसा, लेकिन अब फिलहाल आज संडे है ना, तो इसलिए बस नहीं आएगी शायद। तो भाई ऑटो से जाना पड़ेगा सेक्टर 62, फिर 62 से फिर जाना पड़ेगा सेक्टर 15, फिर सेक्टर 15 से 347 बस पकड़नी पड़ेगी, फिर वहाँ से सीधे दिल्ली भाई UAV सेक्टर 62। अब 62 से भाई चलते हैं सेक्टर 15। और भाई हमने DTC का बस का पास यहाँ पर बनवा लिया, देखो ये ऐसा पास रहेगा यहाँ पर, नाम एज और ये। इस बस में बहुत ज़्यादा सेफ्टी है क्योंकि इसमें एक पुलिस वाला साथ रहता है बस में, कोई लूटपाट नहीं होती है इस बस में। तो भाई अगर जब भी आओ ना, अगर आपको दिल्ली घूमनी है तो पहले पास। और भाई ये है पास DTC बस का, 50 रुपये का पास मंगाया, तभी बस नंबर लिखा हुआ ऊपर। और देखो बस 4 लोग पीछे बैठ सकते हैं, और ये इस तरीके से ये ऊपर वाली चढ़ाई है, इसके ऊपर बैठने में ज़्यादा है मेरी बस। यहाँ पर लाइट जल रही है चारों तरफ, यहाँ पर है देखिए, अति महिला के लिए अलग है। पहुँच चुके हैं सेक्टर 16 भाई, अभी 347 बस आना। भाई टाइमिंग कैसा देखनी है, एक मूवी टाइप है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया, मैं मेट्रो का भी दिखाएगा, ट्रेन का भी दिखाएगा और DTC बस का भी दिखाएगा। वहाँ पे ये भी दिखाएगा कि कितनी बजे आने वाली है और कितने टाइम पे तुम्हें छोड़ेगी और कितने उसके प्राइस हैं, कितना टिकट है, वो सब कुछ दिखाएगा। और मैप है ना, वो मैप भी इसमें दिखाएगा कि ये बस कहाँ कहाँ कर होकर जाएगी। तो भाई ये बहुत ईजी है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। और अभी भाई 347 बस का मैं इंतज़ार करता हूँ यहाँ पर, और कब तक आएगी देखते हैं। और भाई ये आज तो धूप निकल गई बहुत जल्दी, देखो यार वहाँ पे सेक्टर 16 पर बस पहले 8:30 का टाइम दिखाई, फिर उसके बाद 8:15 का दिखाने लगी, फिर जाके बहुत देर तक यार बस ही नहीं आई, फिर अब जाके बस आई है रेड वाली। तो अब चलते हैं भाई सीधे दिल्ली राम मस्जिद के पीछे, ठीक है, जो बाजार में देखते हैं वहाँ पे। और भाई देखो सवेरे का देखो टाइम है, अभी बज रहे होंगे 8:30। तो भाई अभी देखो लाल किले के जस्ट पीछे जामा मस्जिद, और भाई जामा मस्जिद के देखो ना पे भीड़ कितनी लग रही है, और ना पे भाई चोर बाजार में आए हम, ठीक है। अब देखते हैं अंदर जाकर वहाँ पे कुछ मिलता है ना मिलता, तो भाई देख। तो भाई यहाँ पे तुम्हें यार इलेक्ट्रॉनिक के सामान मिलेंगे पूरे, देखो ये रे जैकेट, एक से ब्रांडेड की तुम्हें जैकेट मिल जाएगी यहाँ पे पूरी सील पैक, ठंड का सामान भी है यहाँ पे, आईपोर्ट भी है ये, और यहाँ पे शूज ये भाई इनके शूज नाइक के सब, पूरी कंपनी ही नाइक की है इनकी। यार देखो यहाँ पर भीड़ तो काफ़ी है, अभी देखो अभी थोड़ा जल्दी मैं थोड़ा लेट आया ना, तो इसकी वजह से पता है अब थोड़ी भीड़ कम होगी यहाँ पर अंदर जो ना बेसाख। भाई जूता कैसे दिया? 1100 रुपये का। तो भाई 1100 रुपये बता रहे हैं, पर चमड़े के हैं पूरे प्योर, बढ़िया ब्रांड वाला जूता था। तो मैं भाई यहाँ पे महंगे बता रहा हूँ भाई, कुछ ये वाला भाई 350 के सारे जूते हैं ये देखो यहाँ पे, पसंद करना। तो भाई ये बोले कि पसंद कर लो पहले, तो मिल जाएगा जूता, ठीक है दिखाऊँ। ये भी भाई जूता 350 रुपये का, इनका सॉल भी यार मजबूत है काफी। ये भाई ये जूते की क्वालिटी देखो यार, 350 पम्मा का है ला रहा भाई, मैं इतने सारे जूता में तो कुछ मन तो सब कुछ कर रहा। भाई देखो एक यू वाला जूता रखा हो वहाँ पर,
यू आर हमने मंगाया भाई, और हमने एक जूता, वो कौन सा वाला जूता हो जो भी खरीदो हो, ये कपड़ा के जूता देखो, ये जूता देखो, सबरे जो जूता का जो रेट है ना भाई 350 है, ठीक है, जा बाजार में। अरे भाई ये वाला जूता हमने मंगा लिया, एक और ये पापा के लिए है जूता, उन्होंने फोन किया है, ठीक है, और सॉल देखो यार, एक से ठीक है, यहाँ जी का सॉल भी तकड़ा ही है यार, पर यहाँ मेरी आवाज़ पता नहीं क्लियर आ रही होगी या ना रही होगी, और अंदर से देखो तुम्हें दिखा दूँ खोल के, जितने का कागज वागज लग रहा है, ठीक है देखो। अरे भाई सबरी घड़ी यहाँ पे 100 रुपए की है, जितनी भी है देखो, जितने भी सबरी घड़ी है ना, और यहाँ पे 30 रुपए में टेम्पल ग्लास चढ़ा देंगे भाई। अरे भाई मशीन है, ठीक है ना, ये बाल काटने की, और बाकी यहाँ पर सेंट मिल जाएंगे भाई, सेंट है पूरा, अभी पता ना पहाड़ यहाँ पर जेल सी है, यहाँ पर चुन्नी जिनको बोलते हैं दुपट्टा, बच्चन के खेलने की भी यहाँ जी है, यहाँ पे गाड़ी है भाई, वॉच भाई एप्पल की वॉच है, यहाँ पे चश्मा की सेल कैसी है, 200 रुपये, अब भाई 200 रुपये भाई कौन सी था, एम आई की पावर बैंक ये दोनों एक ही है ना, कौन सी बैच है, एप्पल की भाई वॉच, एम आई की पावर बैंक का भाई, बोल भाई बोल, कै रुपया की भाई हो, 400 रुपये की भाई पावर बैंक मिल जाएगी, ये मोबाइल भी रख सकते हो इसके ऊपर, 450 रुपये का हो, आईसोनिक का है, छोटा वाला, छोटा वाला 250 रुपये, 300 रुपये, ये 250 रुपये का, इसमें और इससे हेवी लोगे भाई 250 रुपये का, एक ये वाला है, ये आईसोनिक का, ये लेना है ये ले लीजिए, 350, 350 का भाई, हेलो हेलो भाई, तो हमें माइक भी ले सकते हो यार, यहाँ पे 350 रुपये के करीब बता रहे हैं माइक है, देखो हेलो 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 यू स्पीटिंग, मस्जिद लाल किले के भाई यहाँ का जो मेन गेट है ये वाला, और यहाँ पे देखो, अब देखो चोर बाजार में कम से कम 9 बजे लिए है, ठीक है ना, 9:30 बजे के करीब हो रहे हैं, तो भाई अब तो भीड़ थोड़ी कम है, ठीक है यहाँ पर, और हमने यहाँ पर 2 जोड़ी जूता खरीद लिए जो हमें लगभग 700 रुपये के करीब के पड़े 2 जोड़ी, और उनका सॉल जो ना थोड़ा मजबूत है इसलिए, और कुछ अगर आप वहाँ पे आओ ना भाई तो पहला अपना बैग आगे टांग के रहना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कब गायब हो जाए कुछ पता ना, और ठीक है ना, और यहाँ पे एक ये बताओ कि कैमरे वाले जो गोपरू पर देखने वाले कहाँ होते हैं, मैं तुम्हारी ऐसी वीडियो देख के आया यार, लेकिन इधर से इधर तो मान लिया था कहीं दिखाया, अगर तुम्हें गोपरू वाले ले जाने तो नहा सुजा के साइड में इंग्लिश साइड को ज़्यादा सामान इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलेगा, वहीं खड़े मिलेंगे तुम्हें, ठीक है, और ये कल पूछ गोपरू सामान कहाँ मिलेगा, मैं कह तुम्हारी वीडियो देख के आया था भाई यहाँ पे पीछे, अब चलते हैं, अब तुम्हें दिखाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान वहाँ पे क्या क्या वहाँ पे मिलता है, और देखो मैंने स्टैंड तो निकाल नहीं रखा क्योंकि भाई इतनी हम कहाँ स्टैंड देख के ना यहाँ पे तक और जाम है कि हम वीडियो बनाने का टाइम पास खाली करने को, तो भाई वीडियो बन जाएगी, ब्लॉग बन जाएगा, फिर उसके बाद तुम्हें देखते हैं, और वहाँ पे अभी तक यहाँ पे भीड़ काजू 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 बड़े भाई लोगे तो 160-180 का पाओ, भाई हमने आधी किलो यहाँ पे काजू ले लिए और आधी किलो हमने बादाम, 300 रुपये के पड़े हैं, 600 रुपये किलो के यानी कि, ठीक है, और पल्ली वाले 330 रुपये लग जाएंगे पल्ली वाले के, अरे भाई बात है तो ज़्यादा ही महंगा बता रहा हूँ ना, लेनी तो ना, और भाई यहाँ पे देखो काजू और हमने बादाम तो ले लिए, अब चलते हैं अगले, और भाई यहाँ पे देखो यार पूरी सब कुछ मिलेगी तुम्हें, अंजीर भी हर ए टू जेड वहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे बादाम किशमिश काजू सबकी लगी हुई थी, अच्छा भाई अंदर आओगे ना तो तुम्हें यहाँ पे ये सब रे बिस्कुट बिस्कुट और चॉकलेट वॉकलेट सबकी दुकान मिलेगी तुम्हें, ठीक है, और ये भाई बेचने में लग रहा है घंटा, ठीक है, यहाँ पे सबकी सब वैरायटी की नमकीन मिल जाएंगी तुम्हें, ये रही ये फोन वन एयरपोर्ट सब मिल जाएंगे तुम्हें, भाई यू कह रुपये भाई 350 JBL का, और भाई यहाँ पे ये नवरत्न वर्तन तेल वेल मिल रहा है यूज़ कर ली है बाद में, ठीक है, यहाँ भटूरे की दुकान है, और ये भाई यहाँ पे ये लैपटॉप, ये भाई हेलो हेलो वीडियो नहीं बना, वीडियो नहीं बना, ठीक है, और यहाँ पे लैपटॉप ले सकते हो, ठीक है, लगाए रखे कहीं बेचे
और यहाँ पे और ये भाई यहाँ पे जितने भी लैपटॉप ने साले सब मॉडिफाई करे हुए हैं कि इनमें कुछ ना मिलेगा भीतर, ये सब बॉडी बॉडी दिख रही है लैपटॉप के बाहर से, यहाँ पे लूट जाओगे और कुछ ना होगा तुम। लाल वाली जो बोतल है ना ये 550 रुपए की, छोटी वाली 200 रुपए की है। स्टैंड मैं क्यों दूंगा फेर का स्टैंड है भाई, वीडियो बनाने का स्टैंड है। आप खुद नहीं आएगा मत चलो भाई, लोग वाला है पता नहीं है कौन सा है, उसमें मैंने आपकी बात रख ली भाई। क्या बात कर लेना भैंस यार, मुझे दे दो यार भाई, मैं चेक करके देख लूं पहले। मगर ये मशीन और भाई जो वीडियो बनाने का जो गेम स्टैंड है ना वो यार 50 रुपए में दे दिए उन्होंने मेरे को, और मैं मतलब उन्होंने बताया मेरे को 70 रुपया भाई। अगर ऑनलाइन चेक करोगे ना वहाँ तो कम से कम 250-300 रुपए का हो। मैंने ऑनलाइन चेक करके देखा, मैं सोचा कि ऑनलाइन बुक कर दो, पर लेकिन यार जब नहीं पे मिल लो तो भाई यहाँ पे भाई ये स्क्रीन मिल जाएगी तुम्हें देखो, इतनी बड़ी बड़ी ये स्क्रीन है, 32 इंची है मोटर है, 50 इंची है, कितनी है सैमसंग सोनी कंपनी की है ये LCD नरगोली का सामान है। यहाँ पे भाई ये लैपटॉप मिल रहे हैं, ठीक है कैमरा यूँ कितने का यूँ चालू है देखिए भाई, पीछे से मोड़ के देखिए ये भाई कैमरा है इनका सोनी कंपनी का, कितने का दे रहा हूँ 3500 कितना 3500 तो ज्यादा लूट रहा। कौन सा ब्लॉग नाम से दारा भी ब्लॉग। और भाई तुम्हें एक स्विग कंपनी के यहाँ देखो, ये जो जियो का जो इंटरनेट का वायर का जो मिला है ना ये भी मिल जाएंगे तुम्हें। देखो वायरलेस, ये वायरलेस कीबोर्ड है ये, ठीक है ना, कौन सी कंपनी का हाँ ये नहीं पता, पर ठीक है सैमसंग कंपनी का भी है। और यहाँ पे मिक्सी विक्सी मिल जाएंगे तुम्हें, ये सारे सामान ये इसमें आएगा, ये इसमें मतलब ये बड़ी अजब चीज़ है। यहाँ पे आओगे ना मेरे लैपटॉप बोलूँ कि जो पत्थर काटने की मशीन है ना, ड्रिल मशीन गड्ढा करने की ना, लोहे लंगड़ का सामान पूरा नहीं तो भरा पड़ा, ठीक है। और यहाँ पर मोटर वोटर सब कुछ मिल जाएगी यहाँ पर, जी हुआ भाई इनका सोनी कंपनी का कैमरा आयो देखिए चालू आयो, ये भाई वीडियो शूट करने का कैमरा चालू है ये पल्ले वाले देखिए ऑन है, कल ये वाले देखिए बड़े वाले की डिस्प्ले खराब है, ये वाले की डिस्प्ले खराब है, यू जो कैमरा पहले अपना अपना कैमरा जेब में रखो। अरे ले तो भाई ये दोनों कैमरा जो है ना इनकी थोड़ी मोटी डिस्प्ले में डाउट है पर ऑन है भाई, यहाँ पे मोटर भी लगवा सको तुम अपने गाँव वाम में आओ तो। और भाई यहाँ पे जूता सब लेदर के पूछनी पड़ेगी भाई, क्या प्राइस है जूतन के 4500 यहाँ बैग, यहाँ पे हो रही है लड़ाई, यहाँ पे लड़ाई हो रही है। यहाँ पे भाई लड़ाई हो बाजने में लग रही है, कहाँ पे बाज रही है और यहाँ पे बाज रही भाई लड़ाई बता ना भाई, सामान वामान चुरा लिए दिन क्या चुरा लिए इनको, ले भैया अरे भैया वो क्या छोड़ दे रे अरे छोड़ दे, अरे कोई बात ना चाचा निकल जा निकल दे तू, 50 रुपए के ऊपर छोड़ यार, कहा हुए तुम्हारे पैसे नहीं दिए। अरे मैंने वो ले रहा था 200 रुपए मांग रहा, 150 दे दिया हाथ में, अब मेरे को इंटरनेट नहीं दिया है भाई, आई फोन है इनके हाथ में
अब चलते यार घर की तरफ, क्योंकि यार बहुत सामान खरीद थोड़े हाँ बंदे प्राइस में यार मिल जाते हैं आज के, क्योंकि जूता बूता भी खरीद लिए, दो जोड़ी जूता खरीदे हमने, एक दोस्त हुए हैं और एक घर को है घर के लिए। और अभी भाई यहाँ पे हम आए हुए हैं भाई, अभी सीधा दिल्ली से मैंने DTC बस पकड़ रखी, उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही ना कि मैं वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला, वहाँ पे सीट ही नहीं मिली बैठने के लिए। तो भाई अभी मैं जाऊँगा घर, कोई ऑटो वाला अभी नहीं रहा, अगर कोई ऑटो वाला आता है तो चलते हैं। और ये पता है स्टैंड भी वहीं से है, मैंने 50 रुपये में ख़रीदा है, ठीक है। और दिल्ली में ना सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस वाली चीज़ मैं आपको बताऊँ ना, अगर आप पहली बार जा रहे हो चोर बाजार में तो भाई लुट के आओगे, 100% कह रहा हूँ लुट के आओगे। क्योंकि जो आदमी फर्स्ट टाइम जाता है ना, उसको ना तो उसके प्राइस के मालूम कितने, और वहाँ पे कोई कोई तो प्राइस एकदम फिक्स बताता है, कोई कोई इतने ज़्यादा बताता है कि भाई आप सोच भी नहीं सकते प्राइस को उसके बारे में, ठीक है। और अगर आप वहाँ पे मोल भाव करोगे, अगर आपने प्राइस से कम बताया तो भाई आपको गाली भी देंगे वो, ठीक है ना। और भाई ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाए। प्लीज़ अगर आप पहली बार आए हो ना तो हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लो भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो भाई यही था कुछ सीन आज का, तो मिलते हैं भाई किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। और भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और दोस्तों को शेयर कर